नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम जीरा राइस कुकर में बनाएंगे। ये बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो आइए जीरा राइस बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम कुकर गरम करेंगे और कुकर में हम 1.5-2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी को गरम होने देते हैं। इसके लिए हमने एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 5-6 काली मिर्च ले लिए हैं और एक ये हमने बड़ी इलायची ली है। इसको हम छील कर दाने निकाल लेंगे। चावल में जब इलायची के दाने मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमने छील कर इसके दाने निकाल लिए, छिलके हटा देंगे। घी गरम हो गया है। घी में हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को भूनेंगे और अब हम ये साबुत मसाले डालेंगे। थोड़ा सा भूनते हैं और अब हम डालेंगे चावल। ये हमने 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा चावल लिए, 125 ग्राम चावल हैं। चावल को हमने 1/2 घंटे पहले पानी में भिगोया और पानी हटा दिया। भीगे हुए चावल हैं, चावल को हम इसमें डाल देंगे। चावल को चलाते हुए इस तरीके से थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो वैसे अगर हम खुले हुए जीरा राइस बना रहे हैं तो चावल का दुगना पानी लेते हैं, लेकिन हम इसे कुकर में बना रहे हैं तो हम इसमें दुगना पानी नहीं लेंगे, दुगने से थोड़ा सा कम पानी लेंगे। तो ये चावल हमारे 1/2 कप से थोड़े से ज़्यादा हैं, हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। 1/2 छोटी चम्मच नमक है, डाल देते हैं, या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, मिला देंगे। कुकर बंद कर देते हैं और चावल को कुकर की सीटी स्टार्ट होने तक पकने देंगे। जैसे ही सीटी बजने नहीं देंगे, जस्ट सीटी स्टार्ट हो गई, गैस बंद कर देंगे। कुकर में सीटी आनी शुरू हो गई है, गैस बंद कर देते हैं और ये सिर्फ 2.5 मिनट में कुकर में सीटी आनी शुरू हो गई है। तो 2.5 मिनट में हमारे चावल बनकर तैयार हैं। अब हम कुकर में चावलों को तब तक रहने देंगे जब तक कि इसका प्रेशर ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे ही कुकर का प्रेशर ख़त्म हो जाएगा हम चावल को निकालेंगे। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है और अब हम अपने चावल देखते हैं कैसे बनी है। चावल पूरे हमें देखिए लंबे दिख रहे हैं अच्छे से, और अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं क्योंकि कुकर में जीरा वगैरह सब ऊपर की ओर आ जाता है। ये चावल हमारे बनकर तैयार हैं, इन्हें हम प्याले में निकाल लेंगे। तो हमारे जीरा राइस बनकर तैयार हैं। हम थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसके गार्निश कर देते हैं। जीरा राइस खाने के लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छे जीरा राइस बने हैं और हमने इन्हें कुकर में बनाया है तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गए हैं। तो जब भी जल्दी से जीरा राइस बनाने हो आप इन्हें कुकर में बना लीजिए। और इतने जीरा राइस परिवार के 2 सदस्यों के लिए पर्याप्त हैं। जीरा राइस को किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ या किसी भी दाल के साथ में परोस सकते हैं। तो आप जीरा राइस बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।